BJP is going all out in these elections in Madhya Pradesh. Three union ministers, four MPs and a party general secretary have all been fielded as candidates. I am in Indore and I am in now in conversation with Kailash Vijayvargiya. Kailash ji, kya mahol hai? आप देख लीजिए माहौल क्या है, लोग बहुत प्यार करते हैं। इंदौर में मैंने काम किया है, इस मोहल्ले में भी जब मेयर था जब काम किया है, तो लोगों को विश्वास है कि काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया, मोदी जी के प्रति लोगों का अगाध विश्वास है। बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, अब खुद लड़ रहे हैं यहाँ पर। पार्टी के आदेश का पालन करना है हमें, तो पार्टी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ने लगे, और लड़ने के साथ लड़वा भी रहा हूँ। रोज दिन में 4-5 सभाएं करता हूँ बाहर जाके, शाम को आता हूँ फिर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ। और बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, इसको कैसे टैकल करेगी भाजपा? हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार दिया। इंदौर में हमने 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया। TCS कंपनी लाए हम, इंफोसिस कंपनी लाए हम, सोर IT कंपनी लाए, और इसलिए यहाँ पर हमने बहुत विकास किया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कम से कम हम 100 लाए यहाँ पर, जिसमें यहाँ के कम से कम 25,000 लोग काम करते हैं। तो बहुत काम किया है सरकार ने। और मैं खाली एक आंकड़ा बताता हूँ कि मैं उद्योग मंत्री था 2008 में, जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मात्र 3% था, 4%, आज 24%। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े, लाइट की जगमग देख रहे हैं आप। मैं ऊर्जा मंत्री था, जो हमारा उत्पादन 5,000 मेगावाट था, आज 28,000 मेगावाट है। हर खेत में हमने बिजली पहुंचाई, हर खेत में हमने पानी पहुंचाया। 7,00,000 हेक्टर में सिर्फ सिंचाई होती थी, आज होती है 45,00,000 हेक्टर में। हमने सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया। पर कैपिटा मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ी है। 18 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप है। और अभी एक नारा मैंने सुना आपके नारे नाम पर भी था कि मुख्यमंत्री आप बनिए। देखिए, ये तो कार्यकर्ता हैं, नारे लगाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। बाकी आप जानते हैं हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है। विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, फिर वह पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, उसका नाम लगेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा गणित करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ साफ है, इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल नेता चुनेगा और नेता वही मुख्यमंत्री बनेगा। 3 तारीख को क्या होगा, नंबर बताइए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 150-160 सीट के बीच में सीटें आएंगी। चलिए, हम 3 तारीख को फिर से आपसे बात करेंगे। थैंक यू।